साथ यशी शुक्ला और अब रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 बैंक यूनियंस भी हड़ताल में शामिल, श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल, कोयला उद्योग में कार्यरत मजदूर यूनियन भी हड़ताल में शामिल। भारत बंद में बैंक, डाकघर, बीएसएनएल और एलआईसी भी शामिल, सरकार से न्यूनतम 21,000 वेतन देने की मांग। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद का ऐलान। कोयला उद्योग के कार्यरत मजदूर यूनियन ने की हड़ताल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी डीजीपी ने सतर्कता के दिए हैं सख्त निर्देश। सीए और एनआरसी का ट्रेड यूनियन कर रही विरोध। भारत बंद में बैंक, डाकघर, बीएसएनएल और एलआईसी भी शामिल, सरकार से न्यूनतम 21,000 वेतन देने की मांग। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद का ऐलान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद का ऐलान, बड़ी खबर आपको बता दें। 6 बैंक यूनियंस भी हड़ताल में शामिल। आपको बता दें कि श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। कोयला उद्योग के कार्यरत मजदूर यूनियन भी हड़ताल में शामिल। यूपी डीजीपी ने सतर्कता के दिए हैं सख्त निर्देश। आपको बता दें कि श्रमिक व किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, इससे बैंकिंग, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनूप सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ और अपडेट है, कहां कहां इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए एसटीएस, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन, करीब 10 से ज्यादा सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, वो भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें कई संगठन, इसमें संगठनों का आह्वान किया है, खासकर अगर बात करें तो 10 करीब 6 बैंक यूनियन जो है वो भी इस हड़ताल में शामिल हैं। श्रम को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर अनूप, आज एग्जाम्स भी हैं कई सारे, तो उन पर क्या ये भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसी देखिए जिस तरीके से एक संगठनों ने एकत्र होकर भारत बंद का ऐलान किया है, हालांकि से संगठन में कई मुद्दों को लेकर, चाहे श्रम विरोधी कानून को लेकर के हो या फिर नागरिकता कानून को लेकर के हो, जिस तरीके से इसमें छात्र भी, करीब 50,000 से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हैं, और बैंकों के इस ऐसे बीएसएनएल और जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, रेवेन्यू का भी काफ़ी नुकसान होगा। करीब 6 बैंक यूनियन हैं वो उसमें हड़ताल में शामिल हैं। बैंक के जो ट्रांसपोर्ट का जो काम देखते हैं वो सब काम प्रभावित होंगे, और ऐसे में टीटी का पेपर है तो उसमें आने जाने वाले लोगों को, खासकर लखनऊ में 82 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 24,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं, जो प्राइमरी और जूनियर, करीब 26,000 छात्र आज परीक्षा देने वाले हैं, 2 पालियों में होगी, तो ऐसे में कि पुलिस के लिए सामने एक बड़ी चुनौती होगी, किस प्रकार से इनको समझा जाए, किस तरीके से इनको सुनिश्चित सेंटरों पर पहुंचे, वहां पर कोई भगदड़ न हो, क्योंकि छात्र जब कभी किसी प्रदर्शन या यूनियन में शामिल होकर हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले जिस तरीके से देखा गया है, नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से उग्र हो गया, तो पुलिस ने, हालांकि कल डीजीपी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया था कि सभी चौकन्ना रहें, और जो सबकी अलग अलग जिस तरीके से पहले ड्यूटी लगाई गई थी उसी प्रकार से ड्यूटी लगाई जाए। इसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएससी और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ लखनऊ में जगह जगह पे पुलिस बल तैनात है, और खासकर जो परीक्षार्थी हैं वो जो बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन पर भी काफ़ी पुलिस लगाई गई है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन
जिस तरीके से भारत बंद का एक ऐलान हुआ है, और उस पे जो दुकानें खुलेंगी उनको बंद कराने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ भी झड़प भी हो सकती है। तो ऐसे में सख्त का डीजीपी का आदेश है, अगर कोई जो भारत बंद उसमें ऐलान में और शामिल नहीं हो सकता है या भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहा है, उसको जबरन अगर कोई किसी ने उसको अगर इसमें प्रदर्शन में शामिल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अपना सुरक्षा खाका का तैयार किया है, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 10 यूनियन और उसके बाद बैंक भी इसमें शामिल हैं, डाकघर के कर्मचारी और 50,000 से ज़्यादा छात्र, यानी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस प्रदर्शन से कैसे निपटा जाए, और इनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार को भी अमल करना चाहिए। सरकार की इनसे क्या कुछ, इस प्रदर्शन से क्या कुछ फर्क पड़ती या कुछ बातचीत होगी क्या कुछ, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी सुबह से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, उसके बावजूद भी लोग घर से जिस तरीके से यूनियन के नेता हैं वो कर्म हड़ताल को भारत बंद को लेकर जिस तरीके से उग्र हुए थे, और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी जिस तरीके से सुबह से पहले से डिसाइड था कौन किसकी कहाँ ड्यूटी लगेगी, सुबह से ही ड्यूटी पर लगा दिया गया था, और खुद एसएसपी मौके पर चूंकि निरीक्षण के लिए भी निकले हैं, और अभी जिस तरीके की सूचना मिली है, और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी सख्त निर्देश है कि प्रदर्शनकारियों को शांति अगर प्रदर्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तोड़फाड़ होती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में डीजीपी ने भी कल उसी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कप्तानों को निर्देश दिया था। अब देखना है ये भारत बंद का कितना असर पड़ता है, क्या ट्रांसपोर्ट जैसे जिस तरीके से बैंक का ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया है उसमें जो चेके हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी तो उसका कितना बड़ा रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा, और बाकी जो ट्रेड यूनियन के जो 10 करीब सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी शामिल हैं उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो एक बड़ा ऐलान है, इस पर सरकार को या फिर पुलिस को किस तरीके से निपटेगा फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ऐसी जिन उप यूपी डीजीपी ने सतर्कता के सख्त आदेश दिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आजकल एक अहम विषय बन गया है, तो सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए ऐसी सोशल मीडिया को लेकर डीजीपी ऑफिस में एक सेल बनाई गई है जिस पर लगातार निगरानी सोशल मीडिया पर वो सेल रखती है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, सोशल मीडिया ऐसे प्रदर्शन में या फिर जिस तरीके से पिछले प्रदर्शन को देखा गया है सोशल मीडिया से ही एक बड़ा हुजूम उमड़ा और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, ताकि इसमें पुलिस को भी किसको संभालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पुलिस को नज़र सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके से जो एक हवा है वो सोशल मीडिया पे ना फैले, जो पोस्टें हैं वो उत्साहित ना हो, एक टिप्पणी किसी पर या फिर यूँ समझिए कि एक उत्तेजना भरे शब्दों से लेकर जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना पड़ेगा, पुलिस को निगरानी करनी पड़ेगी ताकि किसी प्रकार से जो भीड़ उपद्रव है वो न होने पावे। सोशल मीडिया है एक ऐसा माध्यम है, पिछली भी प्रदर्शन में देखा गया था कि इंटरनेट बंद करने की नौबत आ, कई दिन इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद इस स्थिति सामान्य हो पाई थी। तो ऐसे में पुलिस को इस कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, खासकर सड़क के साथ साथ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिस पर एक दूसरे से बात पहुँचाना या फिर एकत्रित हो जाना, तो उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है। उस पर सुबह से ही जिस तरीके से कल डीजीपी ने आदेश दिए थे उस पर सोशल मीडिया को लेकर भी सेल अपना काम कर रही है, और उस पर जो भी टिप्पणी जिस तरीके से अगर इस प्रदर्शन के खिलाफ या फिर कुछ होता है तो पुलिस तुरंत उससे संपर्क करती है या फिर डिलीट करवाती है या फिर उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो कुल मिला के एक बड़ा ऐलान है भारत बंद का, उस पर पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन या फिर और भी बहुत सारे जिम्मेदार व्यक्ति जो अफसर हैं उन पर कहीं ना कहीं आज चलिए अनूप, ये देखने वाली बात होगी कि भारत बंद का असर कितना देखने को मिलता है। आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया। यूपी डीजीपी ने सतर्कता के दिए हैं सख्त निर्देश।